जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते, भगवान का अवतार भी किसके लिए हुआ? बोले चार कारण गोस्वामी जी बताए, लेकिन उन चार कारणों में पहला कारण ब्राह्मण, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र क्यों? बोले विप्र रहेगा तभी गाय की महिमा रहेगी। क्यों? बोले गाय की महिमा बताएगा कौन? गौ की महिमा क्या है, गौ से क्या लाभ है, गाय की सेवा क्यों करनी चाहिए, इन धर्मों को कौन बताएगा? बोले ब्राह्मण ही बताएगा। क्यों? बोले शास्त्र का ज्ञान उसी को। बोले ब्राह्मणों के बनाए हुए शास्त्र हैं। बोले सच्ची बात है, जितने शास्त्र हैं सब ब्राह्मण के बनाए। बोले अब कोई नया शास्त्र बना दिया जाए, बोले बना लो, वो शास्त्र नहीं होगा। शास्त्र की भी यही परिभाषा है, तन्न शास्त्रम यन्न विप्र प्रणीतम। जिस शास्त्र को ब्राह्मण ने नहीं बनाया वो शास्त्र शास्त्र नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ बनते हैं लेकिन वो शास्त्र नहीं बन सकते। शास्त्र तो वही होगा जो ब्राह्मण के द्वारा रचित हो। तन्न शास्त्रम यन्न विप्र प्रणीतम, जो विप्र के द्वारा प्रणीत न हो। तो ब्राह्मण धर्म का मूल है, शास्त्रज्ञ है, और उसी के द्वारा शास्त्र ज्ञान के द्वारा गाय की भी महिमा का बोध होगा। विप्रधेनु, ब्राह्मण के द्वारा ही शास्त्र को सुनकर के देवताओं का महत्व समझ में आएगा। देवताओं को देखा किसी ने नहीं, आपने नहीं देखा इंद्र कौन है, गणेश जी कौन है, वरुण कौन है, ब्रह्मा कौन है, किसी ने देखा हो तो बताओ। लेकिन आप जानते हो, गणेश की पूजा करते हो, ब्रह्मा की पूजा, इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, ये ज्ञान किसने बताया? बोले ये ज्ञान ब्राह्मणों ने ही तो बताया। देवताओं को भी हमने जाना तो कहां से जाना? बोले विप्र के द्वारा। विप्रधेनु सुर संत ही, संतों की महिमा क्या है यह शास्त्र में ही वर्णित है, और ब्राह्मणों के मुख से संतों की, महापुरुषों की महिमा को सुनकर हम उनके चरणों में अनुगत होते हैं। तो मूल रूप से धर्म ब्राह्मण के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए भगवान ब्राह्मणों का बड़ा समादर करते। अब ये सब बातें आज के युग में उन्हीं के लिए कही जाती हैं जिनके अंदर धर्म की निष्ठा है। जिनके अंदर निष्ठा नहीं है उनके लिए तो ये सब अनर्गल प्रलाप है, उनके लिए तो ये विद्वेष मूलक, द्वेष मूलक, जो भी कह लो, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पता नहीं कौन कौन वादी होने का आरोप लग जाए, वो सब वो लोग जाने। लेकिन शास्त्र की निष्ठा जिसके अंदर विद्यमान है, जिन्होंने शास्त्रों के प्रति निष्ठा रखी है, जिनकी निष्ठा दृढ़ है, उनके लिए यही सत्य है, उनके लिए यही सत्य है। और जिनकी शास्त्र की निष्ठा नहीं है उनके लिए हम उपदेश भी नहीं करते। जो शास्त्र की निष्ठा रखते हैं उन्हीं के लिए उपदेश होता है, क्योंकि तभी वो उपदेश को मानेंगे। और जिसके अंदर शास्त्र का, शास्त्र की निष्ठा नहीं, उसको कितना भी उपदेश करो, पढ़ा भी दो तो कोई मतलब नहीं। क्यों? बोले लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसकी आंखें ही नहीं है तो उसको कितना दर्पण दिखाओगे भाई? दर्पण दिखाते रहो, ले देखो तुम्हारे मुंह में गंदगी लगी, थोड़ा साफ कर लो, आंखें ही नहीं है क्या देखेगा बेचारा। उसी प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, उसी प्रकार जिसके अंदर शास्त्र की निष्ठा नहीं होगी, शास्त्र के प्रति निष्ठावान नहीं है, शास्त्र के वचनों में दृढ़ विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को उपदेश भी दिया जाए तो वह उपदेश व्यर्थ हो जाता है, वह उपदेश उसके हृदय में उतरेगा ही नहीं। तो भगवान ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय, परशुराम जी ने कहा प्रभु आपके मन में कहीं इस बात का क्षोभ उत्पन्न हो गया कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण अपमानित हो गया तो आपके मुख की कांति मलिन हो जाएगी, ऐसा आप मन में मत सोचना। तब क्या सोचना? बोले आप ऐसा सोचना, आपके द्वारा मैं पराजित हुआ हूं, सारे देवताओं ने देखा है, जिस परशुराम को आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में कोई वीर पराजित नहीं कर सका, भगवान शंकर भी पराजित नहीं कर सका। परशुराम जी अपनी युद्ध कला कौशल में परशुराम जी ने भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया है, ऐसे परशुराम जी महाराज। लेकिन आज भगवान के सामने
नतमस्तक हो गए। और परशुराम जी कहते हैं कि नचेयम तब काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे रघुनंदन, आप ब्रीडा मत करना, लज्जा मत करना, क्योंकि त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः, अगर मैं विमुखीकृत हुआ हूं, पराजित हुआ हूं, तो किसी आयरे गहरे से नहीं, त्रैलोक्यनाथेन, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, त्वया त्रैलोक्यनाथेन, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, और आपसे पराजित हो जाना यही तो शोभा है, यही स्वरूप है जीव का। ये सब कह करके परशुराम जी महाराज ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परंतप, हे रघुनंदन तुम्हारा मंगल हो, ये कह करके परशुराम जी चले गए।